तो बेसिकली दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। उसमें मैंने बताया था जॉब्स, करियर और सैलरी के बारे में। और आज मैं बताऊंगा कि अगर साइबर सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हो तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, या आपको कौन से वो जो कोर्स हैं आपको दिला सकते हैं 100% प्लेसमेंट एंड हाइएस्ट पेइंग जॉब होगी वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी की। अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखना, काफ़ी सारे आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा जानने को मिलेगा। सो वीडियो को विदाउट स्किप ये लास्ट तक देखना, ज़्यादा टाइम मिलती वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी जीरो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। इसमें पहले जो स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल कोर्स जो आता है, यानी कि अगर आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं है, बेसिक की चीज़ें नहीं पता है, तो उसमें एक कोर्स आता है COM TIA A+। इसको चाहो तो आप इसके भी कर सकते हो। अगर आपको सिंपल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग अगर आती है तो आप इस कोर्स को इसके भी कर सकते हो। एंड जो दोस्तों सेकेंड नंबर पर है CompTIA नेटवर्क, ये आप सेकेंड नंबर पे कर सकते हो। अगर आप बेसिक से यानी कि इनिशियल कर रहे हो तो ये आप सेकेंड नंबर पे कर सकते हो। एंड अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर या हार्डवेयर फंडामेंटल के बारे में नॉलेज है तो आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो। एंड दोस्तों जो थर्ड नंबर पर है CompTIA सिक्योरिटी, यानी कि ये आप थर्ड नंबर पे कर सकते हो बेसिक से स्टार्टिंग में। एंड दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इसको आप इसके मत करिएगा जब तक आपको या तो एक्सपीरियंस हो सिक्योरिटी फील्ड में, थोड़ा बहुत आपने सिक्योरिटी में काम किया हो, या आपने क्लासेस पहले से ली हो, या थोड़ा बहुत आपने सीखा हो, तो इसको स्किप करना। अदरवाइज इसको स्किप मत करना, इसको आप पढ़ के ही आगे जाना। एंड दोस्तों जब आप ये कोर्स कर लो और कुछ स्किप भी कर दो, या किसी भी तरीके इन तीन कोर्स से आप आगे जाओ, फिर इसके बाद में जो एक जॉब की एंट्री लेवल का कोर्स आता है वो CCNA। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर सिक्योरिटी बनना चाहते हो तो जो एंट्री लेवल का कोर्स आता है वो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग, एंड CCNA सिक्योरिटी एंड CCNP सिक्योरिटी। यानी कि बेसिकली अलग अलग हैं, CCNA का जो राउटिंग स्विचिंग हो गया और एक CCNA का सिक्योरिटी हो गया। आप इसमें भी जा सकते हो, दोनों कोर्स सिमिलर होते हैं। जो राउटिंग एंड स्विचिंग बताया, आप ये करके भी सिक्योरिटी में जा सकते हो, या डायरेक्ट CCNA सिक्योरिटी भी कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, इससे भी ज़्यादा सैलरी पाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप AWS कर सकते हो, जो अमेजोन वेब सर्विस का एक क्लाउड है प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जाके आप सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप AWS सर्टिफिकेशन करते हो, जो स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल होता है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, वो इनिशियल स्टार्ट करके एंड इसके बाद आप सिक्योरिटी में मूव हो सकते हो, या CompTIA सिक्योरिटी प्लस AWS क्लाउड करके आप वहाँ पे सिक्योरिटी में भी मूव हो सकते हो, और इसमें भी एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी और सैलरी भी मिलेगी। एंड दोस्तों सिक्योरिटी में आने वाले दिनों में बहुत अच्छी सैलरी और पैकेज और जॉब्स का करियर होने वाला है, तो आप ज़रूर जाओ उसे ज्वाइन करो। अगर आपको इंटरेस्ट है आईटी फील्ड में या नेटवर्क फील्ड में, अब ये नहीं कि आप पता चल रहा है किसी बिजनेस फील्ड में हो और इसके बाद आप आईटी में आना चाह रहे हो, अगर आप आईटी में इंटरेस्ट रखते हो और सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो ये कोर्सेस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो ये एक बेहतर कोर्स हो सकते हैं। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स क्वेरी है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो और वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, have a great moment and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for coming here. Jai Hind, Jai Bharat.